Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम IFMC की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं, तो स्ट्रेटजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ IFMC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रेटजी पर ही आधारित होती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट मंथ जनवरी बहुत परेशान किया हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। पूरा मंथ मार्केट में हमको जबरदस्त वॉलिटिलिटी देखने को मिली। पहले 17,200 से 18,400, उसके बाद 18,400 से वापस 16,900, ये सब कुछ हमको देखने को मिला जनवरी मंथ में। और जैसा कि मैंने बोला था कि 2022 हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए एक बम्पी राइड होगी, तैयार रहें। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वही इस बम्पी राइड में काम कर पाएंगे, और बिगनर्स को तो मैं ऑलमोस्ट आउट कर चुका था पिछले एक महीने से। तो दोस्तों, ये तो पक्की बात है कि मार्केट ने ऐसे ही चलना है, और तैयार हो जाओ ऐसे ही मार्केट का सामना करने के लिए। दोस्तों, अब बजट है सबसे बड़ा इवेंट, फादर ऑफ ऑल इवेंट कहा जाता है बजट को। इस समय आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी सैटरडे है, संडे को ये वीडियो रिलीज होगी। एज इफ नाउ ये जितने भी फैक्टर्स हैं मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अब केवल बजट, 1 तारीख को ट्यूजडे को बजट होगा। तो बेसिकली बजट को फादर ऑफ ऑल इवेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि शायद अब जो पहले एक टिपिकल बजट आता था उसमें और अब के बजट में बहुत फर्क हो गया है। पहले बहुत कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होता था, वो बजट जैसे जैसे बोलती थी, किसी की एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, किसी का सेल्स टैक्स गिर गया, किसी का कुछ बढ़ा दिया, तो ऐसे ही मार्केट उनके जैसे जैसे उनके भाषण होता रहता था, और जिस जिस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलना होता था वो इंडस्ट्री बढ़ने लगती थी, जिस इंडस्ट्री को नुकसान होता था उस वो इंडस्ट्रीज़ के प्राइसेस नीचे आते थे। लेकिन GST के आने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि बजट की वो इम्पोर्टेंस अब कम हो गई है, क्योंकि अब सब कुछ फिक्स हो गया है पहले से ही। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं बचे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मेरा मानना है कि बजट का एक इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले अब कम है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उनके ध्यान में रहेगा कि इस बार बजट है सिर पे, तो ऑब्वियसली ये बजट कुछ पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। पॉपुलिस्ट बजट का मतलब एक आम आदमी को फायदा देने की बात हो सकती है, और जब जब हम पॉपुलिस्ट बजट की बात करते हैं तो वो मार्केट के अगेंस्ट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉपुलिस्ट बजट रहता है, या इस बार का जो भी बजट अगर मैम बोलती हैं और उसमें अगर कुछ ऐसा हुआ, तो शायद वो मार्केट उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है, हिस्टोरिकली जो हमने अभी तक देखा है। तो इस बार क्या होगा, अभी बहुत ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 तारीख को समझ में आ जाएगा। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी, मतलब स्टॉक्स वो लें जो फ्यूचरिस्टिक हैं। फ्यूचरिस्टिक का मतलब कि वो कंपनीज, वो सेक्टर्स को चुने जो अभी अगर नहीं भी बढ़े हैं तो अगले 4-5 साल में उनमें बढ़ने की संभावना है। जो ऑलरेडी बड़े हुए सेक्टर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो ब्लू चिप्स हैं,
उनमें शायद हमको इतने रिटर्न्स देखने को ना मिलें, लेकिन हाँ अगर हम फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स और फ्यूचरिस्टिक कंपनीज के ऊपर अगर हम अच्छे स्टॉक्स लेके चलते हैं तो शायद वो हमको बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसके अलावा आईटी में भी बहुत अलग अलग सेगमेंट हो चुका है, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां, जो ड्रोन बना रही हैं उनसे जुड़ी कंपनियां, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ये फ्यूचरिस्टिक कंपनीज हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं सीधा अपने एपिसोड पर और कोशिश करते हैं एनालाइज करने के लिए कि नेक्स्ट वीक जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी हमारा फ्राइडे को बंद हुआ है 17,101, करीब करीब 575 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ है। क्रूड 175 पॉइंट बढ़ के 6,555 पे बंद हुआ है। गोल्ड हमारा 47,611, करीब 900 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। और अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो लास्ट वीक हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बेरिश थे, पोजिशनल के ऊपर भी हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बेरिश थे। हमने देखा था लास्ट मंथ हमारी जो कैंडल थी वो एक बार को पिछली मंथली कैंडल के ऊपर गई और फिर वापस जो है वो उस लेवल से नीचे आ गई। 17,780 का लेवल मुझे याद है, बड़ा इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 17,780 का। और मार्केट जैसे जैसे बजट पास आ रहा है, बजट को आने में केवल मंडे और ट्यूसडे को बजट है, तो अब मैंने देखा लास्ट 17,100 के आसपास मार्केट है और हमारा जो लेवल है मेजर लेवल जो है मंथली वाला वो 17,780 के आसपास है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे में मार्केट एक बार उन लेवल्स को और पास जाने की कोशिश करे, लेकिन बजट के बाद ही एक असली जो भी मार्केट की दिशा है वो तय होगी। तो लास्ट वीक हम तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक हमारा डेली, मंथली और वीकली तीनों रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट खुला और ये मार्केट खुला था हमारा करीब 17,575 पर। 17,575 पर ये मार्केट खुला और आपने देखा लास्ट वीक एक अच्छी करीब 16,800 तक की ये गिरावट हमको देखने को मिली। मोटा माटी करीब करीब 700 से 800 पॉइंट निफ्टी नीचे आया और उसके बाद रिकवरी होके लास्ट में 17,100 के करीब मार्केट बंद हुआ। तो दोस्तों ये फर्क है कि जब हम वेट करते हैं फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। चलिए आपको दिखाता हूं कि अगर पिछले हफ्ते हमारे ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होती है। चलिए देखते हैं, मैं इसको 15 मिनट पे लेके जाता हूं चार्ट को। तो दोस्तों ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। ये 24 तारीख से हमने यहां पर स्टार्ट किया, ये 24 तारीख की सुबह की पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये हमारी तीसरी कैंडल 10 बजे की। ये 10 बजे की जो तीसरी कैंडल है यहां पर हमारा निफ्टी था करीब 17,455 और इस लेवल के ऊपर हमारे सारे पैरामीटर्स हमको मीट होते हुए दिखे और 17,455 के बाद आप देखें नीचे के लेवल्स करीब करीब 16,800 के आसपास की हमने गिरावट देखी। तो यह फर्क है कि जब हम अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं, देखिए ट्रेडिंग तो कोई भी कर लेगा, ट्रेडिंग आप किसी को भी बिठा देंगे ट्रेडिंग टर्मिनल पर वो ट्रेड कर लेगा, लेकिन राइट स्ट्रैटेजी के साथ, राइट मोमेंट पे और राइट टाइमिंग के साथ जो व्यक्ति ट्रेड करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा एक नॉर्मल ट्रेडर से ज्यादा होगी। किसी ने कहीं किसी ग्रंथ में, किसी भी किताब में यह नहीं लिखा कि आपको जबरदस्ती रोज ट्रेड करना है। तो अवॉइड करें, क्वालिटी ट्रेड की तरफ ध्यान दें, क्वांटिटी की तरफ ध्यान ना दें। ये ना सोचें कि दिन में 10 ट्रेड करेंगे, आप कोशिश करें कि चाहे 4 दिन में एक ट्रेड करें, लेकिन वो ट्रेड जब करें जब अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया है और जब अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा होगी। अगर न्यूज और इवेंट की बात करें तो न्यूज और इवेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, ये हमको लगातार तंग कर रहा है। हमने देखा कि फेड ने भी अपनी मीटिंग में ये बता दिया कि मार्च ऑनवर्ड्स
जो हैं वो बहुत हॉकिश हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और हो सकता है इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ाए जाएं। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से आप कितना भी उसको टाल सकते हो लेकिन आपको उसको रोकना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने कई बूमिंग इकोनॉमीज को नीचे डुबाया है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारा ध्यान लगातार बना रहेगा फेड के ऊपर, और इसके साथ साथ हमने देखा FIIs की सेलिंग लगातार कंटिन्यू है और US रशिया की जो टेंशन है वो भी लगातार मार्केट में बनी हुई है। और मॉनेटरी पॉलिसी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत हॉकिश होने वाली है 2022 के लिए, पूरे 2022 के लिए। अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट की बात करूं, फोर्थ कमिंग इवेंट में मंडे को इकोनॉमिक सर्वे है, जीडीपी के आंकड़े आएंगे, ट्यूसडे को बजट है और ऑटो सेल्स है, थर्सडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे, और अगर मैं ग्लोबली बात करूं वेडनेसडे को ओपेक की मीट है और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। खैर सबसे बड़ी चीज बजट, और बजट इन सब चीज़ों को ओवरशैडो करता है, तो हमारा मेन ध्यान रहेगा बजट के ऊपर। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे और यूनिटीएस मॉनिटर से पूछते हैं कि क्या रहेगा टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं सीधा निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी डार्क रेड जोन में बना हुआ है, यानी कि मंथली, वीकली और डेली तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर अभी भी हम डाउनवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,208। वीकली के ऊपर भी रेजिस्टेंस है आपका 17,575, डाउनवर्ड है, और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है 17,783। तो दोस्तों एक चीज आपने गौर किया होगा, अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे बजट पास आ गया, अब हम देख रहे हैं कि 17,200, 17,500, 17,780 ये तीनों ही जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये आपस में बहुत क्लोज होते जा रहे हैं, और हो सकता है अभी एक दिन बाकी है बीच में ये रेजिस्टेंस लेवल्स और क्लोज आ जाए, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर लेती है और एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुकने की कोशिश करती है जहां से वो ऊपर या नीचे की रैली बना पाए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 37,058। वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 38,212, और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 35,902। तो दोस्तों ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि टेक्निकली भी मार्केट वीक है, और अगर हम ओवरऑल न्यूज़ और इवेंट्स को देखें उसमें भी कोई बहुत अच्छाई अभी तक मार्केट में नहीं दिख रही है, लेकिन बजट एक बड़ा इवेंट है तो इसलिए हमने बजट को अभी एक मेन फोकस में रखा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट का जो टेक्निकल लुक है, टेक्निकल आउटलुक है, वो डाउनवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स पर और नेक्स्ट वीक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है 17,208, फिर दूसरा है 17,575, और उसके बाद 17,783, और हम बंद हुए हैं यहां पर 17,100 के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एक तो बजट सिर पे है, तो कोशिश करें कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वही काम करें और अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखें। इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स 17,208 के नीचे सेल का ही बास्केट बना के चलेंगे, बेयर बास्केट बना के चलेंगे। 17,208 उनका एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 17,575 का लेवल होगा, और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी भी बेयरिश पोजिशंस लॉन्ग की बना रखी हैं उनके लिए 17,783 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। मजे की बात यह है कि अभी एक दिन बाकी है मंथ का,
और वो हमारा ख़त्म होगा मंडे को 31 तारीख होगी। और हालांकि अगर मैं एवरेज देखूं तो अभी भी 17,800 के नीचे ही हम बने हुए हैं, तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें मार्केट का तो वो अभी भी डाउनवर्ड है। तो हो सकता है मंडे को जो है वो 17,780 के इसके ऊपर निकले मार्केट, तो ये बहुत ही एक अलग सिचुएशन होगी। उसके बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट वीक के बीच में ही हम एक वीडियो लॉन्च करेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। तो ओवरऑल मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए भी वीक है, लेकिन बजट है और बजट में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो अपनी क्वांटिटी कम करें और बहुत संभल के ट्रेड करें, लेकिन जो भी ट्रेड करें उनमें स्टॉप लॉसेस ज़रूर रखें और ओवरऑल नज़रिया अभी भी नेक्स्ट वीक के लिए बैरिश। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इतना जरूर कहूँगा कि बीच में नेक्स्ट वेडनेसडे को हम एक वीडियो और लॉन्च करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आज बजट के लिए, बजट के वजह से शायद हम उस वीडियो को नहीं डाल पा रहे हैं, वो हम बनाएंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज एक बहुत सिंपल टूल है टेक्निकल एनालिसिस का। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टर्स हैं, कहते हैं सर मूविंग एवरेज जो है वो बहुत सिंपल टूल है, हमको बढ़िया लगता है। अगर आप उसके साथ कुछ ऐसा हमको तरीका बताएं कि मूविंग एवरेज के साथ हम कौन से टूल को क्लब करते हुए हम एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बना पाएं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटीज टू विन और बढ़ जाएं, तो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वेडनेसडे को वेट करेंगे, एक वीडियो मूविंग एवरेज अपने अंदाज में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटियस स्ट्रैटेजी से। यूनिटियस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूटीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूटीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स, अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन यूटीटीएस ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।